हेलो दोस्तों, जय हिंद। हमारे यूट्यूब चैनल अरविंद चौरसिया में आप लोगों को एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानकारी देने जा रहा हूं कि हमारी देश की सेना या हमारे देश में जो भिन्न भिन्न राज्यों में कांस्टेबल लोग हैं, उनकी ट्रेनिंग किस प्रकार होती है और उनकी ट्रेनिंग के दौरान समय किस तरह से बीतता है। दोस्तों, आज उस ट्रेनिंग की समय सारणी मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पूरी संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर से जरूर करें, ताकि हमारे देश की जवानों को मनोबल ऊंचा हो। तो दोस्तों, मैं अब चलता हूं वीडियो की तरफ। हमारे देश के जवानों ने ट्रेनिंग पीरियड में जब जाते हैं तो सबसे पहले उसे सुबह 4 बजे जागना होता है। उसके बाद 4 बजे से लेकर 4:55 तक अपने फ्रेश होता है, बाथरूम जाना, स्नान करना, ब्रश करना, दाढ़ी बनाना, इतना सारे काम कर कर रेडी हो जाते हैं सुबह पीटी के लिए। तो दोस्तों, सुबह 5 बजे से लेकर 5:40 तक रनिंग पीटी करते हैं। उसके बाद 5 मिनट की ब्रेक होती है। उसके बाद पुनः 5:45 से 6:25 तक पीटी दोबारा करते हैं, यानी पीटी का 2 पीरियड चलता है, 40-40 मिनट का 2 क्लास होती है। दोस्तों, उसके बाद पीटी समाप्त होने के बाद 6:50 पीटी समाप्त होने के बाद 6:50 से 7:30 तक फुट ड्रिल होता है। उसके बाद फिर पुनः 5 मिनट का रेस्ट दिया जाता है। फिर 7:35 से 8:15 तक राइफल के साथ ड्रिल किया जाता है। उसके बाद फिर पुनः 5 मिनट के लिए रेस्ट दिया जाता है। फिर 8:15 से 8:45 तक नाश्ता का ब्रेक होता है, जिसमें सारे जवानों ने नाश्ता करता है। नाश्ता करने के बाद फिर पुनः 8:45 से 9:25 तक राइफल का प्रैक्टिकल क्लास होता है, यानी राइफल को खोलना, जोड़ना, सफाई करना, ये सब तरीका भिन्न भिन्न तरीके का सिखलाई दिया जाता है। उसके बाद 9:30 से 10:10 तक राइफल का थ्योरी क्लास होता है, यानी जो आपको अभी बताया गया था सुबह में कि खोलना, जोड़ना और सफाई करने का तरीका सिखाना, उसी का दोस्त यहाँ पे पढ़ाई होता है लिखित में, किस तरह से राइफल को खोलना है और किस तरह से जोड़ना है, कि उसकी माप, राइफल की साफ सफाई करने के लिए चिंदी की माप क्या होती है, फुल थ्रू क्या होता है, ये सब चीज बताया जाता है क्लास में लिखित में, और आप लोगों से लिखाया जाता है उसकी राइफल की पार्ट्स पुर्जे का नाम, राइफल का नाम क्या है, इस प्रकार ये सारी चीजें जो होती है लिखा जाता है, ये थ्योरी क्लास में होता है। उसके बाद 10:15 से 10:55 तक लॉ का क्लास लिया जाता है। दोस्तों, लॉ का एक स्पेशल टीचर हमारे सब इंस्पेक्टर होंगे या इंस्पेक्टर होंगे, वो आप लोगों के क्लास में आएंगे। उसके बाद लॉ की पढ़ाई कराएंगे, जैसे में होता था धाराएं, चोरी की धारा क्या होता है, रेप का धारा क्या होता है, मर्डर, किसी का हत्या हो गया उसका धारा क्या होता है, इसी तरह की हर एक धाराएं हैं जो पढ़ाया जाएगा आप लोग को दोस्तों। और आप लोग को रजिस्टर में लिख कर इस चीज को याद करना होगा, क्योंकि इसकी फाइनली एग्जाम जब होती है उस समय आपसे पूछा जाता है। और दोस्तों, हर हाल में जो फाइनली एग्जाम होता है उसमें आपको पास करना ही करना होगा। अगर आपने किसी सब्जेक्ट में फेल कर गए हैं तो फिर दोबारा आपको ट्रेनिंग करने के लिए आना होगा और सब्जेक्ट में फिर पास। पहले तो दोस्तों इससे पहले था क्या, जिस सब्जेक्ट में आप फेल हैं सिर्फ उस सब्जेक्ट की फिर दोबारा आपसे क्लास ली जाएगी, आपकी एग्जाम ली जाएगी। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा नहीं रहा, अगर आपने किसी एक सब्जेक्ट में भी फेल हैं तो सारा पुनः फिर से ट्रेनिंग पूरा करना होगा। तो दोस्तों, ऐसी गलती ना करें ट्रेनिंग में, जो कि आपने पढ़ाई पे ध्यान ना दे और किसी ना किसी अन्य सब्जेक्ट में फेल हो जाए, फिर आपकी पुनः उतना सारा का सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा दोस्तों, और फिर उतना परेशानी आपको उठाना होगा। इसलिए दोस्तों, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसी गलती ट्रेनिंग में मत करना दोस्तों। एनी टाइम जो आपकी ग्राउंड में पढ़ाया जाता है वो पुनः आप अपने बेडरूम में जाकर उसे पढ़े, उसे याद करें, ताकि एग्जाम आने के समय में आपको काम दे। उसके बाद 11 बजे से लेकर 11:40 तक वो लॉ का भी क्लास होता है, यानी लॉ का 2 क्लास होता है, 40-40 मिनट का
दो क्लास होता है दोस्तों, यानी लास्ट तक के 11:40 तक की आपकी लव का ही क्लास होगा। 11:40 के बाद आपको 11:40 से लेकर 15:30 तक आपका दोपहर का खाना होता है, दोपहर का भोजन होता है। आपने उस बीच में जितना से जितना जल्दी भोजन कर और थोड़ा आराम करना चाहते हैं तो आराम भी कर लीजिए दोस्तों, और नहीं तो भोजन करने के बाद पुनः फिर आपको ग्राउंड में आना होगा। तो दोस्तों इस जगह पे आपको अपना समय को बचाना होगा, जाकर के तुरंत परेड से छूटे और तुरंत फ्रेश होकर के दोस्तों मेस में जाए, मेस में खाना लेकर के खाना खा करके एक आधे डेढ़ घंटा आपको आराम कर लेनी चाहिए दोस्तों। उसके बाद 15:30 से 16:10 तक यानी संध्या में आपको फिर से परेड होता है, ड्रिल होता है। उस समय दोस्तों थोड़ा सा असर पड़ती है, जब दोपहर का टाइम होता है, कड़ी सी धूप होती है और राइफल के साथ जब परेड करना हो दोस्तों तो पहले सबसे पहले शरीर को वार्म अप किया जाता है, शरीर को गर्म किया जाता है। तो दौड़ परेड करने से पहले दोस्तों आपको राइफल के साथ थोड़ा बहुत दौड़ना होगा। उस समय थोड़ा सा परेशानी सी महसूस होती है, उस परेशानी को अपने आप को महसूस करके और अपने आप को रखना है दोस्तों। हाँ दोस्तों, उसके बाद 16:15 से लेकर 16:55 तक फिर आपको पुनः उसी तरह का परेड होगा दोस्तों, ड्रिल होगा। उस ड्रिल समाप्त होने के बाद दोस्तों यानी 1700 बजे से 1800 बजे तक एक घंटे के वो पीरियड होता है दोस्तों, उस समय आप लोग को राइफल रखवा दिया जाएगा। उसके बाद एक घंटे के लिए ग्राउंड में सामूहिक रूप से खेल होती है दोस्तों, यानी एंजॉय के तौर पे हम लोग खेलते हैं, कूदते हैं वहीं पे और आपस में एंजॉय करते हैं दोस्तों। उसके बाद ये खेल समाप्त होने के बाद अपने अपने बैरक के लिए कूच कर जाते हैं, बैरक में जाते हैं दोस्तों। उसके बाद 1800 बजे से लेकर 1900 बजे तक के बीच की जो समय है दोस्तों आपको बैरक में बीतेगा। उस समय में क्या करना है दोस्तों, आप लोग जो बहुत थोड़ा बहुत आपकी कपड़ा गंदा हो गया हो या बेड गंदा है या बैरक के अंदर में साफ गंदगी है तो दोस्तों वो सब सारा साफ सफाई कर लेना है दोस्तों। और उसके बाद 1700 बजे से लेकर दोस्तों 2030 बजे तक आपकी रात्रि का भोजन का समय है दोस्तों, भोजन सही समय पे भोजन करने। उसके बाद 2030 के बाद यानी 8:30 बजे के बाद 10 बजे तक दोस्तों पढ़ाई का समय है, आप अपना स्वयं पढ़े दोस्तों। बीच बीच में कभी अनुदेशक बैरक में घुसकर चेक भी करते हैं कि हमारा स्टूडेंट पढ़ रहा है या नहीं। ये पढ़ाई दोस्तों आपको अनुदेशक की डर से नहीं करनी होगी दोस्तों, आप सिर्फ अपने के लिए पढ़ाई करनी होगी दोस्तों, ताकि आपकी जब फाइनल एग्जाम हो उस समय किसी की हेल्प की जरूरत ना हो, आप अपने स्वयं पढ़कर जाएं और अपने से एग्जाम में पास होकर के सफलतापूर्वक अपनी अपनी ट्रेनिंग पूरा कर वापस आ लें। उसके बाद दोस्तों 2200 बजे के बाद रात्रि विश्राम है, आराम से सोइए। उसके बाद फिर सुबह पुनः इसी तरह की इसी प्रोग्राम के साथ उठना होगा दोस्तों और इसी प्रोग्राम के साथ चलना होगा। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत। ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर से जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।